माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो लीजिए, वादे के मुताबिक लेके आ गई हूँ आपके लिए थालपोस कलेक्शन का पार्ट टू, जिसमें आज मैं आपको छोटे थालपोस दिखाने वाली हूँ। बड़े थालपोस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने जितने भी बड़े थालपोस बनाए हैं उनका एक कलेक्शन वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया है। अगर आप उसने नहीं देखा है तो लिंक मैं उसका कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके बड़े थालपोस का भी देख सकते हैं। ये थारे थालपोस थोड़े से छोटे वाले हैं, जो छोटी छोटी थालियों के लिए आप यूज कर सकते हैं, या एज अ टेबल मैट भी इन्हें आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सा कलेक्शन है, मेरी मेहनत है जो मैंने बनाई है। सो आपको कौन सा थालपोस सबसे ज्यादा पसंद आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लस अगर आप इनमें से कोई भी थालपोस खरीदना चाहते हैं तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको कौन सा पसंद आता है मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट नंबर पे है बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा पैटर्न, जिसमें इस तरीके का डायमंड पैटर्न बना हुआ है, प्लस पफ स्टिच को यूज किया है। बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा, क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो ने लोगों ने इसे पसंद भी किया है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। सेकंड है ऑरेंज एंड व्हाइट कलर में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत सा छोटू सा थालपोस, जो आप एज अ टेबल मैट भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया है और काफी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। इसे आप बनाना चाहते हैं तो दो नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के साथ एक डीएम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है रानी और व्हाइट कलर में बना हुआ प्यारा सा थालपोस। इस थालपोस को भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। आई होप आज भी देखने के बाद कुछ लोगों को ये जरूर पसंद आएगा और इसे जरूर बनाना चाहेंगे। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो तीन नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है अगेन एक कलियों में बना हुआ थालपोस। इसमें ये जो आपको कलियां दिख रही हैं, ये सारी कलियां अलग अलग बनी हुई हैं और अलग अलग बनाने के बाद भी देखिएगा कहीं भी वर्क में कर्लिंग नहीं है। बिल्कुल अलग सा पैटर्न ये मैंने बनाया है, तो मुझे पसंद आता है कुछ नया ट्राई करने के लिए। कुछ नया ऐसा बनाऊं जो आप लोगों ने कभी ना बनाया हो और आपको बनाने में भी मजा आए, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। चाहे आप तो इसकी जितने भी कलियां हैं वो अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लगेगा अगर आप इसे अलग कलर से बनाते हैं। सो मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी अलग कलर से इसे बनाने के लिए, कैसे बनाना है तो उसे भी जरूर देखिएगा। इसे बनाने के लिए जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है रानी कलर ग्रीन और येलो एंड व्हाइट कलर से बना हुआ बहुत ही प्यारा सा थालपोस, जिसमें बीच का पैटर्न तो काफी ज्यादा सिंपल है। मोस्ट इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, मेरे पास ये फोटो आई थी, एक पिक आई थी इसे बनाने के लिए, सो मैंने इसे बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो ऊपर जो लिंक दिया हुआ है उस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। अगेन पिंक कलर का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा थालपोस, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसे भी पसंद किया था। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ये पूरा ही पैटर्न जो है वो पफ स्टिच में बना हुआ है, बहुत प्यारा सा पैटर्न मुझे लगता है ये, बिल्कुल अलग डिजाइन है इसकी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद है ये ग्रीन और व्हाइट कलर में बना हुआ थालपोस, और मैं अगर आपको इसकी हकीकत बताऊं तो ये एक ट्रायल वीडियो समझ लीजिए था, क्योंकि मैं इसमें बनाना कुछ और चाह रही थी और बन कुछ और गया। बट जो भी बन के रेडी हुआ था बहुत ज्यादा खूबसूरत बना था, सो मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर कर दिया है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके इस तरफ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, रखने में काफी टाइम हो गया, तो रखे रखे थालपोस जो है ऐसे ही फोल्ड था यहीं से, तो इसी तरह फोल्ड हो गया है, धुलेगा तो फिर सही हो जाएगा। सो अगर आपको इसे पसंद आता है तो ये पसंद आता है तो आप लिंक के थ्रू जाके इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक मोती वाला थालपोस, जिसमें मैंने ये जो पैटर्न बनाया है इसके साइड में मोतियों को लगाया है और कुछ इसे अलग सा लुक देने का ट्राई किया है, पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये भी बन के रेडी हुआ है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट के साथ मुझे डीएम करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में। नेक्स्ट है पर्पल एंड व्हाइट कलर का बना हुआ छोटू सा थालपोस, जो मैंने रिसेंटली ही अपलोड किया है। बहुत प्यारा सा पीस बन के रेडी हुआ है,
काफी छोटा है और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। पूरा डबल क्रोशिया पे बना हुआ है, काफी इजी है बनाने में। सो अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसके साथ जा सकते हैं, इसे बना सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। सो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो मिल जाए। उसके बाद है लाइट ग्रीन एंड व्हाइट कलर में बना हुआ बटरफ्लाई पैटर्न का एक बहुत ही खूबसूरत सा थाल पोस्ट, जिसमें मैंने बीच में चक्र वाली डिजाइन को बनाया है। उसके बाद फिर बटरफ्लाई पैटर्न से इस पूरे थाल पोस्ट को बनाया है। बहुत ही प्यारा सा पीस है, बहुत खूबसूरत सा, और एक से दो दिन में, एक दिन में ही आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। इतना इजी और खूबसूरत सा पीस है ये। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद है अगेन कुछ नया, ये भी मैंने बिल्कुल अलग पैटर्न पे बनाया हुआ था। इसमें पहले मैंने इस तरीके के चौकोर टिक्कियां बनाई हैं और चौकोर टिक्कियों के बाद इसे आपस में जोड़ा है और इसे एक थाल पोस का लुक दिया है। सो अगर आप भी कुछ नया बनाने के शौकीन हैं तो इसे जरूर बनाइएगा, बहुत प्यारा सा पीस है। और अगर आपके पास बची हुई ऊन है तो आप उसको यूज करके इस खूबसूरत से थाल पोस को बना सकते हैं। और थालपोस के से ज्यादा ये एज अ टेबल मैट बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। सो डाइनिंग टेबल पे आप बीच में डाल सकते हैं या फिर सेंटर टेबल में बीच में डाल के इसके ऊपर एक वास रखिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा मल्टी कलर का थाल पोस, जिसमें मैंने इस तरीके की कई पट्टियां बनाई हैं मल्टी कलर में एंड देन उसे चेन से जोड़ा है। बहुत ही यूनिक और बनाने में इसे बहुत ज्यादा मजा आती है सच पूछिए तो। सेम ही पैटर्न में मैंने एक तोरण भी बनाया है, बहुत ही खूबसूरत वो तोरण भी बनके रेडी हुआ है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद है ये ओवल शेप में बना हुआ थाल पोस, जिसे ऑरेंज और व्हाइट कलर में बनाया है, बहुत ही प्यारा सा पीस है। तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसे बनाया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसे पसंद भी किया है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो ऊपर नंबर जो दिया हुआ है उस नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये टिक्कियों वाला थाल पोस, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 टिक्कियां बनी हुई हैं और 7 टिक्कियों को जोड़ के मैंने इस थाल पोस को बनाया है। और साइड में मैंने इस तरह की झालर लगाई है, यूजुअली मैं इस तरह की झालर नहीं लगाती हूँ बट मैंने इसमें लगाई और पसंद भी मुझे आई, अच्छी लगी मुझे। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो मिल जाए। एंड में है ये एक सतरंगी थाल पोस, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने इसमें सब बची हुई ऊन लगाई है और इस तरीके से इसे लगाया है कलर को कि इसका लुक ही बिल्कुल बदल गया है। लाइट से डार्क कलर की तरफ गई हूँ, पहले ब्लू में, फिर ग्रीन की लाइट से डार्क की तरफ, उसके बाद फिर ऊपर ऑरेंज, उसके थोड़ा सा डार्क चेरी टाइप का कलर था एंड देन रेड कलर लगा के मैंने इस पूरे थाल पोस को बनाया है। बहुत प्यारा सा पैटर्न बन के रेडी हुआ है। सो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू आप इसे भी बना सकते हैं। सो ये थे आज के कुछ मेरे थाल पोस, जिसमें मैंने छोटे थाल पोस का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी भी मेरे पास कुछ थाल पोस बचे हुए हैं, सो अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए तो मैं उनका भी एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं बचे हुए जो भी थाल पोस होंगे उन्हें भी आपको दिखा दूंगी, एक बार और कलेक्शन वीडियो बना दूंगी, पार्ट 3 भी बनाऊंगी। सो कैसा लगा आपको, आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। सो मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज, कुछ नए डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताए कीजिए, तो मुझे एक आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस चीज का बनाना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।